हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 6। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो इस चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड है यहाँ मैंने वहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मतलब अपांग, एक्यूट मतलब बहुत अधिक, सोलेस मतलब सांत्वनाकारी व्यक्ति, नुएंसेस मतलब अर्थ मनोभाव, कॉन्सेंस मतलब अच्छे बुरे का पहचान होना। इस तरह से जितना भी वर्ड मीनिंग है उसको आप देख सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। तो आइए आते हैं चैप्टर पे। द डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड की सज़ा। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज अ लार्ज एंड माइटी सल्तनत इन अरेबिया। इट वॉज प्रॉस्पेरस एज मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर ट्रेडर्स हु लेड लार्ज कारवां टू अदर प्लेसेस एंड ट्रेडेड गुड्स फॉर अ गुड प्रॉफिट। कह रहा काफ़ी समय पहले की बात है, अरब देश में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो कि शक्तिशाली था और समृद्ध था। इट वॉज प्रॉस्पेरस एज मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर ट्रेडर्स हु लेड लार्ज कारवां टू अदर प्लेसेस टू ट्रेड गुड्स फॉर गुड प्रॉफिट। और वो यहाँ जितने भी रहने वाले लोग थे वो काफ़ी धनी मनी व्यापारी होते थे, जो एक शहर से दूसरी जगह सामान लाने का काम करते थे और अच्छे मुनाफे में बेचते थे। द सुल्तान टू वॉज ए गुड रूलर। सुल्तान भी एक अच्छा शासक था। ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट्स वेल। और उसने अपने प्रजा को अच्छे से पाल रखा था। हाउएवर ही वॉज लिटिल क्रेजी इन द हेड। यद्यपि वो काफ़ी सनकी था। ही सॉट द एडवाइस ऑफ हिज वाइजियर ऑन All matters big or small, and it made him take some decisions which he did not really mean to take. और वो अपने मंत्री से सलाहकार से सलाह लेकर के ही कोई भी बड़ा या छोटा काम करता था। Unfortunately, और दुर्भाग्यवश, the Sultan was a worried father. सुल्तान जो एक चिंतित पिता भी था, और चूँकि वाजियर के कारण यानी उसके मंत्री के कारण उसे कभी कभी ऐसा निर्णय लेना पड़ता था जो उसके लिए अच्छा नहीं लगता था उसे। द यंग प्रिंस हैड सफर्ड स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस सो ही वॉज ए क्रिपल। द डिजीज वॉज सो एक्यूट दैट ही वॉज अनेबल टू सीट अप इन द बेड इवन। अब जो राजकुमार थे वो पैरालिसिस मतलब जानते हैं आप, लकवा को कहते हैं, तो वो लकवा के शिकार हो गए थे जिससे वो अपंग हो गए थे। और वह बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो अपने बिस्तर में बैठ भी नहीं सकते थे। हिज इलनेस वॉज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंगजाइटी एंड एंगजाइटी फॉर सुल्तान। और उसकी यह बीमारी से सुल्तान काफ़ी चिंतित रहते थे। नेचुरली ही वॉज एंग्जस अबाउट हु वुड असेंड द थ्रोन आफ्टर हिम। और क्योंकि उसे इस चीज़ बात की चिंता रहती थी कि उसके मरने के बाद कौन उसकी गद्दी को संभालेगा, उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। द सुल्तान हैड समन द एवलेस्ट ऑफ मेडिसिन मैन एंड वाइज मैन फ्रॉम फार एंड वाइड, but none of them had brought any solace to the ailing prince. सुल्तान ने देश विदेशों के अलग अलग स्थानों से काफ़ी प्रसिद्ध और योग्य चिकित्सकों को दिखवाया था प्रिंस को यानी राजकुमार को, लेकिन उससे कोई भी किसी तरह का कोई सफलता नहीं मिला था। the ailment had proved stronger than the medicines which had so far been prescribed. और वो जो बीमारी थी वो किसी भी तरह से मेडिसिन से काफ़ी बड़ी समस्या थी, ठीक नहीं हो रही थी। As luck would have it, और भाग्य स्वरूप, an old medicine man was traveling through the sultanate with his young disciple. और सौभाग्य से उस समय एक बूढ़ा चिकित्सक अपने नए शिष्यों के साथ यानी नवयुवक शिष्यों के साथ यात्रा कर रहा था। ही वॉज एन एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैन। वह एक योग्य और अनुभवी आदमी था। एंड हैड कॉल्ड क्योर्ड द मोस्ट इनक्यूरेबल ऑफ द डिजीज। और उसने बहुत सारी गंभीर समस्याओं से लोगों को निजात दिलवाया था। ही हैड अर्नड अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ। और उसने अपना बहुत प्रसिद्धि कमाई थी, नाम कमाया था। हिज डिसाइपल नेम्ड खलील। और उसका शिष्य का नाम जिसका खलील था वॉज एन एबल पुपिल ऑफ एन एबल टीचर। वो भी एक योग्य शिष्य था, योग्य शिक्षक का। द टीचर टू हैड टॉट हिम ऑल फाइन नुएंसेस ऑफ हिज ट्रेड। और शिक्षक ने भी उसे अपने गुण के बहुत सारे तौर तरीके सिखा दिए थे। प्रेजेंटली वर्तमान में दे स्टेड एट एन इन एट द एज ऑफ कैपिटल टाउन। वो एक सराय में ठहरे जो कि राजधानी में थी। डिजायरिंग टू नो अबाउट द सल्तनत एंड इट्स पीपुल दे टॉक टू द इनकीपर। और उस सराय के बारे में, राज्य के बारे में जानने की इच्छा से
उन्होंने सराय के मालिक से बातचीत की। द इनकीपर इन्फॉर्म देम द सल्तनत इज प्रॉस्पेरस एंड पीपल आर रिच। वो सराय के मालिक ने उन्होंने कहा कि ये जो राज्य है वो काफ़ी समृद्ध है, यहाँ के लोग काफ़ी धनी हैं। हाउएवर द सुल्तान फॉलोज द एडवाइस ऑफ वाजियर इन ऑल मैटर्स एंड समटाइम्स इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन इनजस्टिस एक्शंस। यद्यपि सुल्तान को हमेशा मंत्री की सलाह लेनी पड़ती है और कभी कभी वो असमंजस में भी पड़ जाते हैं। गॉड हैज राइटली पनिश्ड हिम फॉर हिज क्रेजीनेस एज द प्रिंस हैज सफर्ड ए स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस हुम नोबडी हैज बीन एबल टू क्योर। और ईश्वर ने उसे इसकी सजा भी दी है, उसे पागलपन की सजा दी है और राजकुमार को लकवा हो गया है जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। एट दिस इस पर खलील सेड, खलील बोला, आई शुड टेल यू डैट माई टीचर इज अनएबल मेडिसिन मैन। मुझे तुम्हें यह कहना चाहिए कि मेरे जो मालिक हैं, मेरे जो शिक्षक हैं वो एक यज्ञ चिकित्सक हैं, रेदर द टैबलेस्ट इन द होल वर्ल्ड। और यूँ कहूँ तो जितने भी संसार में जितने भी शिक्षक हैं चिकित्सक हैं उनमें सबसे अधिक। देर इज़ नो एलिमेंट इन द वर्ल्ड विच कैन नॉट क्योर। और संसार में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। द इनकीपर सेड, सराय का मालिक बोला, सर आई विल सेंड ए वर्ड टू द पैलेस प्लीज क्योर द प्रिंस ऑफ हिज एलिमेंट। श्रीमान, मैं राजमहल में एक संदेश भेजूंगा कि आप कृपया इस प्रिंस का यानी राजकुमार का इलाज कर दे। द सुल्तान एंड पीपल विल थैंकफुल टू यू, और जिससे कि सुल्तान और लोग आपके आभारी रहेंगे। द मेडिसिन मैन सेड, तब चिकित्सक बोले, यू सी आई हैव टू रीच माई डेस्टिनेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। मुझे अपने गंतव्य पे जाना है जितना जल्दी हो सके। आई लैक सो मच ऑफ टाइम, मुझे समय की बहुत कमी है। एज सिटिंग द प्रिंस वुड टेक इट आउट टू बी एट लीस्ट ए कपल ऑफ वीक्स। और इस प्रिंस का यानी राजकुमार का इलाज करने में कम से कम कुछ सप्ताह तो लगेंगे ही। व्हेन द इनकीपर वॉज गॉन खलील आस्क्ड, और जब सराय का मालिक जा चुका था, खलील ने पूछा, सर इट इज़ सो अनयूजुअल ऑन योर पार्ट, महाशय ये तो आपकी तरफ से बड़ा ही विचित्र था। यू नेवर रिफ्यूज टू ट्रीट एन एलिंग पर्सन, आपने कभी भी एक बीमार व्यक्ति की इलाज करने से मना नहीं की है। यू हैव हैप्पली ट्रीटेड द पुअरेस्ट ऑफ मैन बट हियर इज ए प्रिंस, आपने खुशीपूर्वक एक गरीब से गरीब आदमी का इलाज किया लेकिन ये तो राजकुमार है। वॉट इज द रीजन फॉर दिस स्ट्रेंज बिहेवियर, ऐसा क्या कारण है इस विचित्र व्यवहार का। डू यू लिसन टू वॉट द इनकीपर सेड, क्या तुमने सुना सराय के मालिक ने क्या कहा। ही सेड दैट द सुल्तान इज क्रेजी मैन हु फॉलोज द वाजियर्स एडवाइस इन ऑल मैटर्स। उसने कहा कि सुल्तान एक सनकी आदमी है जो कि हर एक काम में हर एक कार्य में अपने वाजियर का सलाह लेता है। सच ए रूलर कैन बी डेंजरस, वेरी डेंजरस, द मेडिसिन मैन सेड। और इस तरह का राजा काफ़ी खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक। आवर नोबल प्रोफेशन डज नॉट फॉलो अबैंडनिंग एन इल पर्सन, माई कंसाइंस डज नॉट अलाउ मी टू गो अवे, आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रीट द प्रिंस, खलील से प्लीडेड। कह रहा है खलील कि हे शिक्षक, मैं हमारा जो पैसा है ये तो किसी भी लोग को किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके जाने की नहीं कहता है, और जहाँ तक मेरा मन कहता है कि मैं यहीं रहूं और इलाज करूं प्रिंस का, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप राजकुमार का इलाज करें। दैट्स माई फाइनल डिसीजन, सेड द मेडिसिन मैन एज ही ले डाउन ऑन द बेड एंड फेल एस्लीप। लेकिन जो चिकित्सक है वो कहता है कि नहीं, ये मेरा अंतिम निर्णय है। और खलील फाउंड द स्लीप एल्यूजिव, ही वॉज नॉट टू ईज एट द वेरी नोशन ऑफ नॉट सर्विंग एन इलिंग मैन। यद्यपि खलील सो नहीं पाया और वो इस बात से परेशान था कि एक बीमार व्यक्ति का इलाज बिना किए कैसे जाया जा सकता है। ही रिस्पेक्टेड हिज टीचर वेरी मच एंड डेयर्ड नॉट डिसओबे हिज कमांड, वो अपने शिक्षक का काफ़ी आदर करता था इसलिए वो उसकी बात को काट नहीं सकता। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही शुड स्टे बैक एंड ट्रीट द प्रिंस, और अंत में उसने निर्णय किया कि उसे यहाँ पर रह करके प्रिंस का यानी राजकुमार का इलाज करना चाहिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में खलील स्टेटेड हिज माइंड टू हिज टीचर, खलील ने अपना विचार शिक्षक को बताया। सर आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ही सेड, बट आई कैन नॉट स्टैंड द आइडिया ऑफ मूविंग अवे विद हैविंग क्योर द प्रिंस, लेकिन मैं बिना
राजकुमार का इलाज किए यहाँ से नहीं जा सकता। प्लीज़ ब्लेस मी डैट आई माई बी एबल टू क्योर हिम, कृपया आप आशीर्वाद दें कि मैं उसका इलाज करने में सफल हो जाऊँ। ऑल राइट बट आई वॉन्ट यू नॉट टू स्टे ए मोमेंट लॉन्गर देन इज नीडेड, लेकिन मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि जितना वक्त लगे उससे ज़्यादा थोड़ा देर भी यहाँ नहीं ठहरना, एल्स इट कुड बी डेंजरस टू योर लाइफ, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, सेड द मेडिसिन मैन, ऐसा उसका शिक्षक बोलता है। खलील डिस्कस्ड विद हिज टीचर हाउ ही शुड ट्रीट द प्रिंस, और तब उसने अपने शिक्षक से इस बारे में वार्तालाप की कि किस तरह से प्रिंस का इलाज किया जाए। एंड देन दे पार्टेड वेज, और तब वो अपने अपने रास्ते चले गए। द इनकीपर लेड खलील टू द रॉयल कोर्ट, और इनकीपर खलील को राज दरबार ले गया। वेयर ही वॉज इमीडिएटली एडमिटेड इन टू द सुल्तान्स ऑडियंस, और उसे शीघ्र ही सुल्तान के राज दरबार में उसके लाया गया। द डिट्रैक्टेड सुल्तान वॉज होपलेस, और सुल्तान काफ़ी निराश था। ही अलाउड खलील टू ट्रीट द प्रिंस, और उसने खलील को प्रिंस के उपचार के लिए आज्ञा दे दी। खलील एग्जामिन द प्रिंस थॉरली, खलील ने राजकुमार का पूरा परीक्षण किया। देन ही रोट डाउन ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेशंस, तब उसने एक काफ़ी लंबी लिस्ट लिखी झाड़ियों की और औषधियों की। देयर दिस वेयर इमीडिएटली फेस्ड, और उसे शीघ्रता से लाया गया। ही सेट डाउन टू क्रश, और वह उसे चूर्ण बना करके पॉन्ड एंड ग्रेट देम इन टू फाइन पेस्ट, और उसे पेस्ट बना करके देन ही अप्लाइड हिज पेस्ट ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्रिंस बॉडी, और तब उसने प्रिंस के उस भाग को मरहम लगाया, पट्टी लगाई जहाँ वो खराब था। ही ऑल्सो मेड ए नोशन आउट ऑफ सर्टेन हर्ब्स एंड मेड द प्रिंस ड्रिंक इट, और उसने कुछ औषधियों का काढ़ा बनाया और प्रिंस को पिलाया। द ट्रीटमेंट वेंट वेल, और इलाज अच्छे से चला। एज द पॉजिटिव इफेक्ट कुड बी सीन फ्रॉम द सेकेंड डे इट्सेल्फ, और दूसरे दिन से ही अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए। द प्रिंस शोड फेंट साइंस ऑफ रिकवरी एट फर्स्ट, और प्रिंस राजकुमार ने ठीक होने के लक्षण दिखाने लगे। एंड देन हिज रिकवरी क्विकेंड, और तब उसका सही होने की प्रक्रिया तेज हो गई। द प्रिंस रिकवर्ड फ्रॉम हिज ड्रेडेड डिजीज इन टू 2 weeks टाइम, और प्रिंस अपने खतरनाक बीमारी से 2 ही हफ्ते में ठीक हो गया। द सुल्तान वॉज ऑल जॉय, सुल्तान काफ़ी खुश था। ही शोड द मोस्ट फेबुलस फेवर्स ऑन खलील, और उसने खलील के ऊपर खलील पे काफ़ी खुशियों की बारिश कर दी। ही डिक्लेयर्ड ए वीक ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द सल्तनत, और उसने 1 सप्ताह के राज्य में खुशियों का मनाने का छुट्टी दे दिया। एंड ही अपॉइंटेड खलील एज द रॉयल मेडिसिन मैन, और उसने खलील को राजकीय वैद्य घोषित कर दिया। खलील वॉन्टेड टू गो अवे एज हिज ऑब्जेक्टिव हैज बीन फुलफिल्ड, अब खलील जाना चाहता था क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। ही हैड ए ग्रेट फेथ इन हिज टीचर, उसका अपने शिक्षक में काफ़ी विश्वास था। बट द सुल्तान इंसिस्टेड ऑन हिम टू स्टे देयर, लेकिन सुल्तान ने उसे वहाँ ठहरने के लिए जोड़ दिया। मोर ओवर खलील टू वॉज अट्रैक्टेड टू द कम्फर्टेबल एंड लग्जरियस रॉयल लाइफ, फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे, और इसके अतिरिक्त खलील भी उस राजसी सुख सुविधा में रम गया था, उसे अच्छा लगा इसलिए उसने ठहरने का सोचा। खलील वॉज एन इंटेलिजेंट फॉलो, खलील एक काफ़ी तेज विद्यार्थी था या शिष्य था। हिज एडवाइस ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू हेल्थ वेयर द मोस्ट सुटेबल, और स्वास्थ्य संबंधी उसके जो सुझाव थे वो काफ़ी सही थे। ही हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ इन सल्तनत, और उसने राज्य के स्वास्थ्य का जिम्मा संभाला और उसे अच्छा किया। एट द सेम टाइम, उसी समय हिज एडवाइस ऑन अदर पॉलिटिकल मैटर्स टू वॉज इफेक्टिव, और उसका सलाह दूसरे राजकीय कामों में भी सही था। द सुल्तान रियलाइज्ड हिज विजडम एंड ऑफन कंसल्टेड हिम ऑन द मैनी मैटर्स बियॉन्ड द रियल्म ऑफ मेडिसिन, समटाइम्स ही प्रेफर्ड हिम टू द ओल्ड ट्रस्टेड वाजियर, और कभी कभी वो अपने पुराने वाजिया से भी
मिलता था। इट वॉज ए कॉज ऑफ एंग्जाइटी फॉर द वाइजियर, और ये वाइजियर के लिए यानी मंत्री के लिए काफ़ी चिंता की बात थी। ही सफर फ्रॉम द पैंग्स ऑफ जीलियसी फॉर द मेडिसिन मैन हु वॉज बींग कंसल्टेड बाई द सुल्तान मोर ऑफ एन देन ही नॉट। और अब उसे सुल्तान, चूँकि राजवैद्य से काफ़ी घुल मिल गया था, तो उसे ज़्यादा पास जाता था, उसे ज़्यादा कंसल्ट करता था, लेकिन अब वाइजर से कंसल्ट कम करता था, जिससे उसे अब घृणा होती थी, ईर्ष्या होती थी। ही कुड परसीव हिज पावर्स बींग कर्टेल, और उसे लगता था कि उसका शक्ति घट रही है। ही इवन वॉन्ट द न्यू रियल हकीम टू स्टे विद इन हिज लिमिट्स, उसने नए राजवैद्य को अपने हद तक में रहने के लिए भी कहा। बट खलील हैड बिगन टू टेस्ट द पावर, लेकिन अब खलील को अपनी शक्ति का आभास हो गया था। सो एंड इट गिव हिम अनटोल्ड जॉय, और उसे काफ़ी अच्छा लगा था। ही वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी वार्निंग, उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द वाजिर वॉज डिटरमाइंड टू रिगेन हिज इरोडेड प्रेस्टीज, मंत्री भी अपनी ताकत फिर से पाने में लग गया। द वाजिर ए क्लेवर फेलो बिगेन टू इल एडवाइज द सुल्तान, और मंत्री जो कि एक चालाक आदमी था, उसने सुल्तान को गलत संदेश देना शुरू कर दिया। ही केयरफुली बिगेन टू अराउज हिम अगेंस्ट खलील, और उसने सफलतापूर्वक सुल्तान को खलील से भड़काना शुरू कर दिया। वॉट एवर एडवाइस खलील रेंडेयर्ड टू द सुल्तान, जो भी सुझाव खलील सुल्तान को देता, द वाजिर वुड से, तो मंत्री कहता, सर आई कैन परसीव एन इविल डिजाइन इन दिस एडवाइस ऑफ द रॉयल हकीम, महाशय मुझे इसके सुझाव में कुछ गलत लग रहा है। दिस विल हार्म यू, इससे आपको नुकसान होगा। ही अपियर्स टू बी स्पाई टू मी, और ये एक जासूस लग रहा है मुझ पे। यू सी हाउ ही हैज कंट्रोल योर माइंड, देख रहे हैं आपका इसने किस तरह से दिमाग अपने कब्जे में कर लिया है। द वाजिर वुड ऑल्सो यूज हिज फेथफुल सर्वेंट्स टू मेक देम स्पीक द सुल्तान अगेंस्ट खलील, और वाजियर अपने सेवकों को भी सुल्तान से उसके वैद्य के प्रति आगाह करवाता रहता था। ही ऑल्सो अक्यूज खलील ऑफ टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पोजिशन, उसने खलील के बारे में यह भी कहा कि वो उसकी गद्दी लेना चाहता है। इवन अनट्रूथ अपीयर्स टू बी ट्रू व्हेन इट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और आप जानते हैं कि कोई भी असत्य बात यदि बार बार कही जाए तो वो सत्य प्रतीत होने लगती है। इनिशियली द सुल्तान डिड नॉट ही टू एनी ओपिनियंस, शुरू में सुल्तान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बट वैन सच एक्यूजेशंस बिकेम द अनयूजुअल नॉर्म, ही ग्रू सस्पिशियस, लेकिन जब बार बार उसे इस बारे में बताया जाता था तो उसे शंका होने लगी। द वाजिर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड टर्न द सुल्तान कम्प्लीटली अगेंस्ट खलील, और तब वाजियर ने स्थिति का जायजा लेकर के मुआयना करके सुल्तान को खलील के विरुद्ध कर दिया। द वाजिर एक्सप्लॉइटेड हिज सिचुएशन एंड टर्न द सुल्तान कम्प्लीटली अगेंस्ट द खलील, द सुल्तान केम टू बिलीव द खलील वॉज इंजर्ड ए स्पाई एंड डिजर्व टू डेथ पेनल्टी, और सुल्तान को यह विश्वास दिला दिया कि खलील एक जासूस है और उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। ही वॉज टेकन प्रिजनर एंड वॉज ब्रॉट बिफोर द सुल्तान इन फेटर्स, वो उसे कैदी बना लिया गया, जंजीरों में जकड़ लिया गया, उसे सुल्तान के पास लाया गया। खलील रिमेंबर व्हाट हिज टीचर हैड सेड अबाउट द सुल्तान, खलील को अपने शिक्षक की बात याद आ गई। बट इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। द सुल्तान डिड नॉट लिसन टू व्हाट ही सेड, से अब सुल्तान उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। ही सिंपली कमांडेड द गार्ड्स टेक हिम अवे एंड बीहेड हिम, उसने अपने सेवकों से कहा कि इसे दूर ले जाओ, इसका गला काट दो, सर काट दो। बिफोर डैट ओ मेडिसिन मैन डू यू हैव एनी लास्ट विश, लेकिन इससे पहले क्या तुम्हारा कोई अंतिम इच्छा है। सर आई डू हैव ए विश, वहाँ से मेरा भी एक इच्छा है। स्पीक इट एंड आई शुड बी द वन विच आई कैन फुलफिल जस्ट नाउ, फॉर यू हैव टू डाई सून द सुल्तान कमांडेड, तो जल्दी बोलो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा। सर आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट, आई हैव सर्व्ड यू अर्नेस्टली ऑल दिस डे, आई वॉज इन योर सर्विस, नाउ वेन आई हैव टू डाई आई एम इन नो फेथफुल टू यू, आई कंटिन्यू टू थिंक अबाउट योर वेल बींग, सेड खलील। ही टुक ए डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यू, जस्ट रिमेंबर हाउ आई क्योर्ड द प्रिंस, आई क्योर्ड यू एंड अदर कॉर्टियर्स ऑफ मैनी डिजीज, दिस वॉज
ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट बुक। वो कहता है उसे कि किस तरह से मैंने प्रिंस को और आपको और पूरे दरबारी को ठीक किया, ये सब एक किताब के कारण हुआ और यह किताब मेरे पास है। द रॉयल हकीम पुल्ड आउट ए फैट बुक फ्रॉम अंडर हिज क्लॉक, शोइंग इट ही सेड, व्हेनेवर आई हैव टू ट्रीट ए पर्सन आई जस्ट रेफर दिस बुक एंड टेल्स मी व्हाट मेडिसिन इट गेव यू। इफ़ यू हैव द बुक यू डोंट नीड एनी मेडिसिन मैन, यू कैन ट्रीट ऑल डिजीज विद दिस बुक। आई गिव इट टू यू बिकॉज आई विश यू मे रिमेन हेल्दी टू योर लाइफ योर ऑल लाइफ। और कह रहा है कि मुझे किसी भी तरह का बीमारी का इलाज करना होता तो मुझे इस किताब से जानकारी मिल जाती है और मैं चाहता हूँ कि किताब आपके पास रहे ताकि आपको किसी भी तरह का किसी वैद्य की जरूरत ना पड़े। खलील हैंडेड ओवर द बुक टू द सुल्तान एंड सेड, खलील ने सुल्तान के हाथों में किताब देकर कहा, जस्ट गो थ्रू द बुक व्हाइल आई एम बीइंग सेंट टू गैलोज, आप इस किताब को पढ़ें जब तक मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ। एज योर गार्ड्स टू ब्रिंग बैक टू यू मे सर्व्ड हेड ऑन अ प्लेटर एंड इट विल आंसर योर क्वेरी डैट यू माइट हैव अबाउट टू बुक और एनी अदर थिंग। आपने सेवकों से कहें कि मेरा सर काट के थाली में लाए और यह आपके क्वेश्चन के प्रश्न का जवाब देगी। द सुल्तान सैनल द गार्ड्स टू टेक खलील अवे, अब सुल्तान ने इशारा किया कि अब खलील को ले जाए अपने सेवकों से। ही देन स्टार्टेड टू टर्न लीफ आफ्टर लीफ ऑन द मेडिसिन बुक, और तब उसने वो पेज उल्टाना शुरू कर दिया। एज ही टर्न पेजेस ही हैड अप्लाई सलीवा ऑन पेजेस फॉर विच ही हैड टू पुट हिज इंडेक्स फिंगर इन टू द माउथ अगेन एंड अगेन, पेज उल्टाने के लिए उसे बार बार अपने मुंह में उंगली करके थूक से सटा करके पेज उल्टाना पड़ता था। बाय द टाइम ही सर्व्ड हेड ऑफ मेडिसिन मैन वॉज ब्रॉट इन रॉयल कोर्ट, और जब उसका गला सर काट के लाया गया दरबार में, द सुल्तान वॉज फीलिंग डिजी, सुल्तान को डिजी फील हो रहा था। ही वॉज डिसाइडेड टू आस्क फॉर द हेड, आई एम आर फीलिंग डिजी व्हाट कैन बी द रीजन, कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्या कारण हो सकता है। टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ ऑल दिस प्रेजेंट द हेड गेव आउट ए लॉन्ग हिस्टोरिकल लाफ्टर, ऐसा सुन करके एक संतोषजनक हंसी में तो सर ने तेजी से हंसते हुए कहा, हा हा यू डिजर्व इट, तुम्हें तो ऐसा होना ही था। ओ ग्रेटफुल सुल्तान, हे महान राजा, यू डिजर्व इट, तुम्हें ये होना ही था। आई सर्व्ड यू ऑनेस्टली, मैंने तुम्हें ईमानदारी पूर्वक सेवा किया, बट यू लिसन टू द विक वेजियर हु मिसगाइडेड यू, लेकिन तुमने उस दुष्ट वेजियर की सुना जिसने तुम्हें पथभ्रष्ट कर दिया। यू डिजर्व पनिशमेंट एज यू आर नॉट वर्दी ऑफ द हाई पोस्ट डैट यू होल्ड, और तुम उसके लिए दंड के भागी हो क्योंकि तुम वो पद नहीं संभाल सकते जिसके लिए तुम जिस पे तुम आसीन हो। यू हैव टू पुट डेथ ए लोअर मेडिसिन मैन एंड यू टू डिजर्व डेथ बिकॉज यू हैव बीन अनजस्ट एज ए रूलर एंड एज ए मैन यू हैव रिटर्न एविल फॉर गुड, और तुम भी इस दंड के अधिकारी हो जिसने दुष्ट वजर की बात को सुना, और आदमी के तौर पे भी तुम अच्छे नहीं हो क्योंकि तुमने गलत का साथ दिया है। यू आर ऑल्सो डाइंग विद मी, तुम भी मेरे साथ मरोगे, यू हैव ओनली ए फ्यू ब्रेथ लेफ्ट बिलो, और तुम्हें भी बहुत कम सांसें बाकी है। द सुल्तान वॉज शॉक टू हियर दिस, हाउ कैन आई डाई ही रिटॉर्टेड, सुल्तान को बड़ा चंबा हुआ, उसने कहा कि मैं कैसे मर सकता हूँ। देन द हेड लाफ्ड आउट लाउडली एंड सेड, तब सर जोर से हंसने लगा और बोला, द बुक इन योर हैंड इज अ डेथ बुक, जो तुम्हारे हाथ में किताब है वो एक मृत्यु का किताब है। आफ्टर यू टू गो थ्रू द बुक एंड यू स्टार्टेड टू टर्न इट्स लीव्स बाय वन वन बाय वन, मैंने तुम्हें यह कहा कि इसके पेज को पढ़ो और तुम पढ़ने लगे और इसके पेज बाय पेज को पढ़े। आई एम डूइंग सो, और इन डूइंग सो, ऐसा करने में यू हैड टू अप्लाई सलीवा फ्रॉम योर माउथ ऑन द एजेज ऑफ द बुक, इज अप्लाइड ए डेडली पॉइजन विच यू हैव अनोइंगली लिक्ड, और इस पेज पे एक खतरनाक जहर लगा हुआ जिसे तुमने अनजाने में अपने मुंह में ले लिया है। नाउ यू आर डाइंग, और तुम मर रहे हो। राइट नाउ विद मी गुड बाय, और अभी इसी वक्त मेरे साथ अलविदा। विद दिस वर्ड्स द हेड फेल साइलेंट, और ऐसा करके वह सर शांत हो गया। द सुल्तान फाउंड डिजीनेस ग्रोइंग वेरी सेवियर, और सुल्तान को अब बहुत ही
आंखें उसकी बंद होती जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ही वॉज हैविंग एक्यूट पेन इन हिज हेड जस्ट टू, और उसे छाती में बहुत ज़ोर से दर्द भी हो रहा था। इन नो टाइम, कुछ ही देर में ही फेल डाउन फ्रॉम द थ्रोन, वह गद्दी से गिर गया। एंड रोल ऑन द फ्लोर लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, और जल से बिना तड़पती हुई मछली की भांति वह फर्श पे गिर पड़ा। ऑल दिस वाइल, और इसी बीच द नॉब्स एंड द कॉर्टियर्स लुक्ड ऑन इन डिसबिलीफ एंड एस्टोनिशमेंट, और जितने भी दरबारी लोग थे वो खुशी से